नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के भूख सूचकांक की। वो विश्व का भूख सूचकांक है, हंगर इंडेक्स है, जिसमें भारत को 111वां स्थान दिया गया है। अपने पड़ोसी जो देश है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनसे भी भारत पीछे है। कुपोषण की बात जब होती है, खास करके बच्चों की बात, कुपोषण की, या फिर महिलाओं में ही जो कुपोषण की बात है या फिर एनीमिया की बात है, इसमें काफ़ी चिंताएं इस ताज़ा लिस्ट में जताई गई हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इस लिस्ट को नकारा है, बल्कि जिस तरीके से भूख सूचकांक तैयार किया जाता है उस पर भी एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाए, और लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर स्मृति ईरानी का ये स्टेटमेंट मौजूद है। वो कहती हैं कि ये जो इंडेक्स तैयार करने वाले लोग हैं, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं आर यू हंग्री, और फिर वो अपना एक नतीजा निकाल लेते हैं कि भारत में लोग ज़्यादा भूखे हैं और पड़ोसी देशों में भूखे नहीं हैं, पाकिस्तान में भूखे नहीं हैं। तो एक केंद्रीय मंत्री का, खास करके महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का जो जिम्मा जिसे सरकार ने सौंपा है माननीय मोदी सरकार की कैबिनेट ने, उनका इस तरह से एक बेतुका बयान या फिर गैर जिम्मेदाराना बयान या फिर एरोगेंट स्टेटमेंट, जो भी आप नाम दे दीजिए, ये कितना भयावह है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर एक तरफ 80 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है वो मुफ्त अनाज उसको मुहैया किया जाता है, ये कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति भारत में जो है अन्न के बगैर या फिर भूखे ना रहे, इसीलिए ये सरकार का दायित्व तो है, वो सुनिश्चित करती है कि खाद्य सुरक्षा जो है उसका पालन हो, और दूसरी तरफ माननीय केंद्रीय मंत्री का ये स्टेटमेंट आ जाना। और बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई, सामाजिक समस्याएं क्या बनी हुई हैं जिसे लेकर इस इंडेक्स में चिंताएं जताई गई। हमारे साथ दिल्ली से नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अधीश राज भल्ला, उनसे इस पूरे गंभीर मसले पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले चर्चा द ट्रूथ में स्वागत कर लेते हैं अधीश राज भल्ला जी का। अधीश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रूथ में। जी अधीश जी, सबसे पहले तो माननीय स्मृति ईरानी, जब ये लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर को ये लिस्ट आई थी, तब भी उन्होंने सिरे से इस लिस्ट को नकार दिया था। उसके बाद अब जब उनकी स्टेटमेंट एक और आई है इससे जुड़ी हुई, तो वो स्टेटमेंट ऐसा है जैसा कि ये एक तो एरोगेंस भी दिखाता है, और कहीं ना कहीं जो भारत की महिलाएं हैं, भारत के जो बच्चे हैं, जिनको सब ना पोषण सही से मिल पा रहा है, ना फिर उनकी तरक्की में जो भी मानक होते हैं वो पूरा हो पा रहा है, उसके बावजूद वो डिस्कनेक्टेड भी दिखती हैं। एक राजनेता होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, और सर्वप्रथम एक महिला होने के नाते, स्मृति ईरानी के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, उसके बाद जो भारत की भूख की हालत है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लिए ये शर्म की बात है जब हमारे माननीय मंत्री लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, बिल्कुल संवेदनाओं से परे, और किसी व्यक्ति की गरीबी का, किसी व्यक्ति की भुखमरी का कैसे मजाक बनाया जा सकता है, ये आज हमें माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से सीखने की जरूरत है। कोई व्यक्ति बिना भोजन के मर रहा है, तीन वक्त में एक वक्त का खाना उसको नसीब नहीं हो रहा है, ऐसे देश के अंदर महिला बाल विकास मंत्रालय संभालने वाले मंत्री यदि खुद ये बात बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की सरकारों को और इस तरीके के मंत्रियों को पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, जिनकी मानवीयता तक उनकी खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि आप एक गरीब व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो भूख से जूझ रहा है, आप उसे सम्मान तक नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके लिए सम्मानजनक अधिकारों की बात करना तो दूर, आप उनसे जुड़े संबंधों से, विषयों से किनारा कर जाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, ये बहुत ही शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक महिला होने का भी उन्होंने जो पर्याय है उसको गलत ठहराया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशीलता यदि समाज के अंदर भूखमरी को या गरीबी को लेकर के होती है तो महिलाओं को होती है, क्योंकि एक महिला है जो चौतरफा इस चीज की पीड़ा सहती है, चौतरफा मार खाती है। यदि कोई व्यक्ति देखिए समाज में गरीब है, तो महिला जो है वो चारों तरफ सपोर्ट करने के बावजूद इस चीज को फेस करती है, क्योंकि महिलाएं पूरे घर का,
जिम्मेदारी लेकर के काम करते हुए वो अपने पति को सपोर्ट करती है, अपने पिता को सपोर्ट करती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए असहाय होती है। और ऐसी महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों को छोड़ करके बाहर समाज में जाकर के काम करने के लिए भी उतनी सक्षम नहीं रह पाती, क्योंकि बहुत छोटे शिशु उनके पास है, तो ऐसे में वो कहाँ जाए। तो ऐसे में यदि उनकी गरीबी का, उनकी भुखमरी का कोई मजाक उड़ाए, बजाय कि स्मृति ईरानी या इस तरीके के और केंद्रीय मंत्रियों को ये आंकड़े देने के बजाय कि उन तक राशन क्यों नहीं पहुंच रहा है, आप इंडेक्सिंग में लगातार निरंतर नीचे क्यों गिर रहे हैं, आप चार पायदान नीचे चले गए हैं भल्ला जी। करेक्ट। तो 107 से 111 की ये छलांग नहीं है, ये ढलान है। और आप इसे अगर छलांग की तरह और बहुत गर्व से बताएंगे तो मुझे लगता है पूरे देश को शर्मसार करने की बात है। और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात करने वाले लोगों को बिल्कुल भी भारत के केंद्र में बैठ करके और सत्ता पे काबिज होने का कोई भी अधिकार नहीं है। और तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को माफी मांग करके और अपना पदभार छोड़ना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। और निश्चय ही देश के एक एक व्यक्ति को, हर वो व्यक्ति जो सक्षम है, उसको उठ करके आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छा हुआ अभी तो पूरे देश में त्योहार चल रहा है, नवरात्रि का माहौल है। वो कहें कि मैं तो, मेरा व्रत था, उन्होंने अच्छा वो ये नहीं बोला कि हाँ मुझे भूख तो लग रही थी क्योंकि मेरा व्रत था, तो मैंने इसलिए नहीं बोला कि आई एम हंग्री। तो मुझे लगता है धार्मिक भावनाएं भी आहत हो जाती, बट अंततः बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और इसके ऊपर तत्काल जो है प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए उनको फटकार लगनी चाहिए और स्मृति ईरानी जी को आकर के समस्त समाज से, पूरे भारतवर्ष से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का मोदी कैबिनेट का बर्ताव रहा है अधीश जी, चाहे देश में कहीं ट्रेन हादसे भी हो जाते हैं, उसके बावजूद जो है अगर जिम्मेदारी किसी की तय करनी होती है तो मोदी सरकार की तरफ से ऐसा नहीं आता, बल्कि कहते हैं कि अगर इस्तीफा दे देंगे रेल मंत्री तो फिर बचाव और राहत अभियान या फिर जो दोषी कौन है ये सब जो प्रक्रियाएँ हैं ये कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगी। तो एक बहाना बना दिया जाता है कि किसी भी मंत्री का अभी तक 9 वर्षों में, तो चाहे कितनी भी भयंकर गलत क्यों ना हो गई हो, किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं आता। और ये तरीका ही नहीं है, एक जो विवेक की बात होती है, एक जो होता है कि जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है, ये तो मोदी सरकार में हमने देखा ही नहीं कि किसी भी मंत्री या फिर नेता में ने इसका जो परिचय जनता के सामने रखा है, इसका बताया है कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का तो इस्तीफा नहीं आएगा, इसमें कोई बात मुझे शक नहीं लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो इंडेक्स है और जो उन्होंने तरीका बताया कि फोन कॉल किया जाता है कि आर यू हंग्री, आप इस तरीके पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में बच्चों को, महिलाओं को या फिर किसी भी वर्ग के जो पुरुष महिलाएं हैं उनके पोषण का ध्यान रखती है, उनकी सेहत का ध्यान रखती है, उसके बावजूद उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाना माननीय महिला बाल कल्याण मंत्री की तरफ से, आप ये कितना गंभीर देखते हैं, इस कृत्य को कितना गंभीर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, देखिए यदि हम एफएओ की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस चलाता है जी, तो भारत में जो यूएन मिशन है, अगर हम उस यूएन मिशन की भी बात करें तो आप उसको भी झुटला रहे हैं। साथ ही साथ जो आप देखें कि एफएओ के अलावा भी जिस तरीके से जो पुअर इंडेक्सिंग है वो भी आपके नीचे जा रही है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसकी इंडेक्सिंग भी साथ के साथ नीचे जा रही है, सैनिटेशन के अंदर आप बुरे तरीके से पिछड़ रहे हैं। 20 करोड़ टॉयलेट बनवाए गए थे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ताकि वो सुरक्षित जगह पे और बहुत साफ सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से अपना शौचालय जा सके। आज की डेट में भी आपको तमाम सड़कों पर लोग शौचालय करते मिल जाएंगे, रेलवे लाइन पर आपको शौचालय करते लोग मिल जाएंगे। इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर जो है लगातार इंडेक्सिंग, उसकी भी गिर रही है। एजुकेशन स्पेशली फॉर विमेन आप देखेंगे उसमें कोई भी बढ़ोतरी किसी तरीके की पिछले 9 सालों के अंदर यदि आप देखेंगे तो नहीं है। और लगातार हर एक पायदान से सभी के सभी मंत्री, जैसा कि आपने बोला, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये तमाम लोग इस तरीके के बेतुके बेबुनियाद बयान देते हैं जिससे कि निसंदेह जनता की भावनाएं आहत होती हैं। और आप समझ लीजिए कि यदि मैं आज ये सोचूं कि मैं एक सोलर बहुत हाईटेक कुकर पे खाना बनाने लगूं, या मैं इंडक्शन चूल्हा घर में ले आऊं, या मुझे माइक्रोवेव चलाना आता है, और मैं कल को इस तरीके की गलत बयानबाजी करने लगूं कि मुझे गैस के महंगाई से क्या मतलब, मेरे तो घर में इंडक्शन पे खाना पकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत
ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस तरीके के बयानबाजी से जनता को सबक लेना चाहिए कि हम कैसे लोगों को बार बार चुन करके और मंत्री बना रहे हैं, क्या ये लोग हमारा भविष्य सुधारने वाले हैं या नहीं है। यानी 9 वर्षों में जी अधीश राजी, जब ये इंडेक्स आया था तो एक स्टेटमेंट नकारते हुए ये भी कहा गया था कि ये कोशिश है भारत सरकार की छवि खराब करने की, ये इंटेंशन है सरकार की छवि खराब करने की। लेकिन जब मंत्री जी का ऐसा बयान आ जाता है तो छवि खराब कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां, आपकी चुनौतियां क्या बनी हुई हैं इस ओर ध्यान आकर्षित कराने की ये सूची जो है कोशिश करती है, लेकिन जब स्टेटमेंट आ जाता है स्मृति ईरानी का इस तरह का, तो छवि कौन खराब कर रहा है? या फिर छवि खराब करने की आपको वाकई में लगता है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जो जिम्मेदार संगठन है वो इंडिया को डेलिबरेटली खराब वो उसकी तस्वीर निकालकर दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं? देखिए, स्मृति ईरानी जी के बयान से मुझे एक स्टोरी याद आती है जिसमें कि सबसे पहली चीज, एक बेटा है जो एग्जाम करके वापस आ रहा है, उसका बेटा पूछता है कि आपका एग्जाम कैसा रहा? तो वो पूछता है कि अरे वो अपने रामलाल का लड़का फेल हो गया। वो बोलता है अरे उनको छोड़ो ना, वो कह रहा है वो सुभाष का भी बेटा फेल हो गया। वो ऐसे 10 नाम गिराता है तो बाप बोलता है कि अरे तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो वो अपने पिताजी का नाम लेकर के बोलता है कि जब सुभाष का बेटा फेल हो गया, रामलाल का बेटा फेल हो गया, अपने प्रधान जी का बेटा फेल हो गया, तो अपने पिताजी का नाम लेके बोलता है तो आपका बेटा भी फेल हो गया, वो कहां से पास होगा? देखिए, ये अपनी काबिलियत साबित करने का तरीका नहीं है कि नेपाल फेल हो गया, बांग्लादेश फेल हो गया, श्रीलंका फेल हो गया, पाकिस्तान फेल हो गया, तो फिर भारत क्या चीज है? तो कहीं ना कहीं फिर आप ये मान लीजिए कि आप विश्व गुरु का केवल झांसा दे रहे हैं अपनी जनता को और आप विश्व गुरु नहीं बन रहे। दूसरी बात, अगर कोई एजेंसी आपका नाम खराब करने का ट्राई कर रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूँ मैं, खाद्य मंत्रालय से मेरा ये प्रश्न है सीधा सीधा कि आपकी एक वेबसाइट है stats.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर किसी की भी सरकार रहे वहां पर आंकड़े आपको पब्लिश करने पड़ते हैं जी। 16.6% आपकी जनता अंडर न्यूरिशन चल रही है, अंडर नरिशमेंट के चल रही है, ये आपने ही तो छापा था। या तो आप ये बोलिए कि आपके छापे हुए आंकड़े गलत हैं। इसके अलावा 1,97,000 करोड़ का आपने बजट एलोकेट किया और पिछले साल में मात्र उसका 5% से कम ही यूज हो पाया, तो गरीबी और भुखमरी क्यों नहीं होगी इस देश के अंदर? 38% से ज्यादा आप देखिए जो बजट एक्सपेंडिचर आपके रहे 22-23 के अंदर, तो वो जो है लगातार उसके अंदर भी जो गिरावट है कि आप लगातार बजट यूटिलाइजेशन में भी नीचे आ रहे हैं। लेकिन तो ये अधीर जी, इसको थोड़ा और मैं विस्तार से समझना चाहती हूँ। जो बजट यूटिलाइजेशन में चूक जाती है, मंत्रालय चूक जाता है या फिर मंत्री चूक जाते हैं, तो फिर जिम्मेदारी या जवाबदेही तो तय की जाती है कि हाँ आपने जो आपको बजट मिला था उसका भी जो निपटारा नहीं किया या फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ इंक्वायरी या फिर जो है उनसे जवाबदेही तलब की जाती है। इस तरह की व्यवस्था है सरकारों में? हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ सर्वे। नेशनल हेल्थ सर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खुद भारत में किया जाता है और भारत के सरकार के अधीन संस्था ही इसे करती है। 2017 में जब ये हेल्थ सर्वे आया तो उसके अंदर सरकार ने यह माना कि 19 करोड़ से अधिक लोग भारत में ऐसे हैं जो रात को भूखा पेट सो रहे हैं। तो आप अपने आंकड़े नहीं मानेंगे, आप विदेशी ये आंकड़े जो आपने बताए ये किस वर्ष के आंकड़े हैं? ये 2017 वर्ष के आंकड़े हैं, जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें खुद सरकार ने यह माना कि 19 करोड़ लोग भूखे पेट रात को सो रहे हैं जी। तो जब इस तरीके के आंकड़े आप खुद ही जारी कर रहे हो तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी ये कहना चाह रही हैं कि हम 33% से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे को फेल कहना बंद कर दें, क्योंकि उसने 33% प्रतियोगिता दिखाई है, तो उसे हम 33% पास दिखाएं ना कि 33% फेल दिखाएं। वो इस पैटर्न में आना चाहते हैं, वो एक नई आइडियोलॉजी सेट करना चाहते हैं। वो फील गुड वाली बात करते हैं, फील गुड सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल गुड जी। यस, मतलब अगर पूरे दिन में आपको आधी रोटी मिल रही है देन यू आर लकी हैव टू बी इन इंडिया। और मुझे लगता है इस तरीके का जो माइंडसेट है ये एक करप्ट माइंडसेट है। एक ऐसी पार्टी जिसने अभी केंद्र में आने के बाद से देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिला के अंदर औसत 1 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के कार्यालय बनाए हैं। दिल्ली के अंदर 650 करोड़ रुपया लगा करके आप अपना कार्यालय बनाते हैं।
मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी जो है आज वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, और पूरा फोकस्ड पूरा का पूरा जो फोकस है वो या तो मंदिर बनाने में लग गया है जनता का और सरकारों का लग ये गया जो है। दिल्ली ऑफिस की बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, आप कह रहे हैं कि 600 करोड़ में ये दफ्तर तैयार कराया गया है, ये खुद आप देखिए ना सीजीआई की रिपोर्ट में है, ये तो खुद आंकड़े, ये तो इसके आपको 2500 प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएंगे। और ये सरकारी खर्चा का मान लीजिए, दिल्ली में कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि वहां पर व्हाइट में जो पैसा खर्च हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ज्यादा खर्चा हुआ होगा जी, ज्यादा ही पैसा खर्च हुआ होगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बता रहा था कि जो सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो आप देखिए कि लगभग 4500 से ज्यादा बच्चे हर दिन 5 साल से छोटे जो है हमारे देश में मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भूख से, या वो मेल न्यूट्रिशन थे, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया गया था। और 3 लाख से ज्यादा डेथ हर साल भारत में होती है जस्ट बिकॉज ऑफ भूखमरी या कम खाना या कम स्वास्थ्य वाला खाना खाने की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, हंगर की वजह से बच्चे मर रहे हैं। और ये आंकड़े भी भारत सरकार जारी कर रही है, ये आंकड़े भी किसी विदेशी एजेंसी ने नहीं जारी किए। जी जी तो ये जो चीज है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मुझे लगता है हमारे लिए। प्रतिदिन यदि भूख से केवल बच्चे जिन्होंने जो बिल्कुल असहाय है, आप सोचिए एक बच्चा जो खुद से मांग नहीं सकता है खाना, जिसको हमारा कानून जॉब करने का अधिकार नहीं दे सकता, जो बच्चा इतना छोटा है कि वो अपनी भूख को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसे बच्चे भूख से मर जाएं, आप इस बात को समझिए। जैसे कि चाइल्ड अब्यूज सच में क्राइम है कि नहीं है? डेफिनेटली क्राइम है। एक छोटा बच्चा जिसको हम डांट के थप्पड़ लगा करके भेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे ताकतवर हैं, और वो बच्चा हमारा तो जवाब नहीं दे सकता, केवल इसीलिए क्या हम बच्चों को थप्पड़ मार दें? ये कभी भी हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए, भले ही हम उन बच्चों के पेरेंट्स क्यों ना हो। तो ऐसे ही पेरेंट्स सोचिए जो मजबूर हो और उनके सामने हमारे अपने बच्चे जब दम तोड़ते हो तो सिहरन हो जाती है, गूज बम्स आ जाते हैं सोच करके कि हमारे सामने यदि हमारा बच्चा भूख से दम तोड़ देगा तो आप सोचिए जीने तक का मन किसी का करेगा नहीं। बिल्कुल। तो उस देश में जहां आप ही की सरकारें आंकड़े पेश कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि किसी एक एंगल पे तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि चलिए जो सरकारों की जो कार्यशैली है या फिर इच्छा शक्ति, उसकी भी अब मुझे लगता है कि अब बहुत ही हलास होता जा रहा है कि उनको क्या जनता की फिक्र नहीं है, क्योंकि एक तरह का जो किस्म का एरोगेंस आ गया है कि हम जो कह देते हैं वो सत्य होता है और जो भी हमारे विचारों से सहमत नहीं है वो असत्य होता है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक साल में 2022 से 2023 की ये लिस्ट बनने के दरमियान आखिर ऐसी क्या वजह रही होंगी अधीर जी कि हम 4 नंबर नीचे खिसक आए हैं, 111वां नंबर 125 देशों में? वाकई में स्थिति बहुत भयावह है। किन कारणों को आप देखते हैं कि इसके पीछे, इस लिस्ट के पीछे वो रहे होंगे जिससे कि 111वां नंबर भारत को मिला है? देखिए सबसे पहली चीज है कि जब आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से तो बिल्कुल एक नए भारत का उदय होते हुए दिखाना चाहती है, लेकिन इसके अंदर लैकिंग होने का जो सबसे बड़े, मैं आपको फुटप्रिंट्स बता रहा हूँ जो पदचिन्ह है जो इसके सीधे रूप से कारण है, उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ईट राइट इंडिया मूवमेंट सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की जो मॉनिटरिंग है, जिस बेस पे आप FSSAI इशू कर रहे हैं, जनता को जिस क्वालिटी का राशन दिया जा रहा है, क्या FSSAI अपने सारे PDSS पे जाकर के सैंपल्स लेता है? क्या PDSS के आंकड़े जो है वो निकालने के बाद में क्या उन पर कोई कार्यवाही हुई? क्या कभी कोई राशन के जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रहे हैं क्या ऐसे लोग कभी जेल जाते हैं? कभी भी नहीं जाते हैं। PDS पूरे तरीके से करप्ट संस्था है, जो बिल्कुल थर्ड ग्रेड का अनाज होता है वो जनता को दिया जाता है, गरीब को, केवल इसलिए क्योंकि वो गरीब है, वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता। क्योंकि हमारे देश में आज कोर्ट में जाकर के यदि आप केस भी फाइल करेंगे तो 1000 रुपया फीस लग रही है। इसके अलावा आप पोषण अभियान पे आ जाइए, पोषण अभियान की बात करें तो 2018 के अंदर इसी सरकार ने ये मूवमेंट चलाया जी जी। तो उसके बाद से आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत केवल इसी के लिए पोषण अभियान चलाया गया कि पहले इनका पोषण हो और 5 साल से छोटे जच्चा है बच्चा जो है दोनों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ट्रेन के अंदर दूध मिले, गरीब से गरीब वर्ग को दूध मिले, उसके लिए ये तमाम जो है कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बावजूद लगातार आप देखिए अंडर न्यूट्रिशमेंट
पर ये क्या, दिल्ली के ये अंदर में समझोगे क्या, शिकायत किस तरह करप्शन का? जो है वही मूल वजह लग रही है ये सामाजिक जितने भी योजनाएं हैं कल्याण की? जी निश्चय ही, देखिए एक ब्रेक ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जी जब शपथ ली थी उसके पहले साल में उनका एक बयान आया था लाल किले से कि इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसने खुद यह स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने बिना नाम लिए राजीव गांधी जी को ये टोक किया था जी। लेकिन आज आपकी सरकार में आप 1,76,000 करोड़ का जो बजट निकाल रहे हैं वो कहां जा रहा है और वो कितने प्रतिशत बोल रहा है? क्या आज नरेंद्र मोदी लाल किले से लोगों को नहीं बताएंगे इन सब स्कीम्स को लॉन्च करने से क्या हो रहा है? अधीश जी मैं ये समझना चाहूंगी कि कोविड का जब वक्त आया तो भारत में बहुत सारी परेशानियां हमने देखी कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब है, उनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट, रोजगार का संकट है। उसके बाद ये बार बार बताया गया कि दुनिया के बाकी मुल्कों की तुलना में भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसने तेजी से पटरी पर अपनी जिंदगी वापस लाई और फिर तेजी से ट्रेन भी दौड़ने लगी। लेकिन ये ट्रेन क्या दौड़ नहीं रही थी बल्कि इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी? अगर हकीकत जानने की कोशिश करूं मैं, क्या रोजगार एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है जिसकी वजह से हम बच्चों को पोषण नहीं दे पा रहे हैं और ये दर दुनिया में सबसे खराब है भारत में? देखिए नेहा जी, सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है, हमारे भारत में कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का रोजगार से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, खुद से हमें प्रश्न करना चाहिए। मैं आपसे या सरकार से प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के कानून के प्रति हमारी भी संवेदना है, हमारा सम्मान जी। हम सबको मिलकर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या 1 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा या एक ऐसी महिला जिसका पति बेरोजगार है, उसे काम नहीं मिल रहा या वो मर चुका है, ठीक है, किसी वजह से, तो एक ऐसी महिला जो विधवा है और उसके पास अभी न्यू बोर्न बेबी है, क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि हम ऐसी महिला के लिए खाने का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे? क्या हमारी आत्माएं इतनी मर चुकी हैं? तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सरकारें 5,500 करोड़ रुपए अपनी एक एक स्कीम के प्रचार में तो खर्च कर सकती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोज शाम को एक वक्त का राशन नहीं दे पा रही है। ये हम सबको सोचने की जरूरत है। भ्रष्टाचार, निश्चय ही इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ये समझिए कि जब अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही योजना को लागू किया और खास तौर पे विमेन और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए यूज किया। और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपको बता देता हूं, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 वर्ष से लेकर 5 वर्ष है। तो सेंटर जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय के अंतर्गत ही ये स्कीम चलती है, सबसे बड़ी बात है जी। इसका टैक्स लगातार गिर रहा है, 75% से ज्यादा आपका बजट यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये बजट को आप फ्रीज करके कर क्या रहे? दूसरी तरफ आपको अपने प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो आप आरबीआई गवर्नर से मांगते हैं, जब उर्जीदार पटेल जैसे लोग नहीं मानते आपकी बात तो और आप रातों रात कानून ही बदल देते हैं संसद में जाकर के और नए गवर्नर ले आते हैं जो आपको पैसा दे दे और आप उनसे पैसा निकलवा लेते हैं 2-2 लाख करोड़ रुपए का। मतलब अपने मन के लिए रातों रात संसद खुलवा करके नए कानून पेश करके काम चलाने वाली सरकार। मिशन इंद्रधनुष जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करवाया जिसके अंदर टारगेट किया गया कि 2 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनका इम्यूनाइजेशन पूरा हो, उनको 12 वैक्सीन लगे। पहली बात, ये इंद्रधनुष मिशन पूरा ठीक से चल नहीं रहा इसीलिए इसके आंकड़े आपके सामने नहीं आ रहे, अदरवाइज आते। केवल इसका प्रचार है कि इंद्रधनुष मिशन के तहत आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन मेरा प्रश्न है क्या वैक्सीन पर जिंदा रहेंगे बच्चे? आपने हमेशा, हम सब में बुखार की भी दवाई हम डॉक्टर से लेने जाते हैं तो वो बोलता है अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, डाइट नहीं खाएंगे तो दवा नहीं लगेगी। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है, बट हमारी सरकार को उतना भी कॉमन सेंस शायद छूट गया है। इसके अलावा आप देखिए जो आईसीडीएस की स्कीम चलती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो इसके अंतर्गत जो है आपको बच्चों को सर्विसेज देनी है 0 से 6 साल के अंदर और उसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अच्छे से स्वास्थ्य की देखभाल कर पाए, बच्चे का भरण पोषण कर पाए। उस स्कीम के अंदर भी लगातार पिछले 9 साल की इंडेक्सिंग जब आप देखेंगे तो उसका पूरा ग्राफ जो है वो दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे जा रहा है, हर 3 महीने के अंदर वो अप एंड डाउन जाता है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि जब जब आपके ऊपर टारगेटिंग होती है तब तक आप उसके एक्सपेंडिचर्स दिखाते हैं, बट वो स्पेंडिंग जो हो रही है वो स्पेंडिंग जा पा रही है। क्यों? गरीब लगातार गरीब हुआ जा रहा है।
क्या केवल सिलेंडर सस्ता करके और उसके ऊपर 8-8 हजार करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे देने से क्या गरीब का पेट भर रहा है? गरीब को सिलेंडर दे देने से मात्र काम नहीं चलेगा, और आपको उसको केवल राशन देने से भी काम नहीं चलेगा नेहा जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि आप समझे फूड फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जिसके अंदर सरकार ये मानती है कि हमें फूड एनरिचमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। मतलब मैं केवल चावल आपको दे रहा हूं और उस चावल के अंदर से आपको मिलने वाला विटामिन और प्रोटीन खत्म हो चुका है। इट इज लाइक देखिए, आप कोई भी मटेरियल खरीदे उसके अंदर एक सेट क्वांटिटी में उसके विटामिन होते हैं, अगर वो ड्रेन हो गए तो उसके बाद उसका कोई यूटिलाइजेशन रह नहीं जाता। तो सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम सारे की मिनरल्स जो है उसको फूड फोर्टिफाइंग के तहत ही इंश्योर करेंगे कि गरीब को भी जो खाना मिले वो आयरन से भरपूर हो, आयोडाइज हो, जिंक हो, विटामिन हो, ए हो, डी हो, स्टेपल्ड फूड हो, उसके अंदर उसको राइस मिले, मिल्क मिले, सॉल्ट मिले, लेकिन ये सब मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम की बात यही है, और इसीलिए आप जो है फूड इंडेक्सिंग में लगातार पिछड़ रहे हैं, यही सच्चाई है। आज नहीं तो कल सरकार को ये किसी भी सूरत में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो फिर तख्ता पलट के बाद मानेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि जनता तो मूर्ख देखिए नहीं है, जनता अपने वक्त का इंतजार करती है और उस वक्त पर परिणाम दिखाती है। लेकिन अधीश जी, बच्चे तो वोट भी देने के हकदार नहीं है, बच्चों को तो शायद ये पता ही नहीं कि वोटिंग क्या होती है उन बच्चों के लिए, लेकिन माँ बाप भूखे मर रहे हैं जी। देखिए, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं उनको वोटिंग का अधिकार है और वो बहुत अच्छे से वोट का जवाब देना जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर और भुखमरी हो सकती है लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकती। अधीश जी, आपने सही कहा कि ये सब कमियां हैं और ये सब कमियां जो है सबके सामने हैं, लेकिन शायद ध्यान में जनता के नहीं लाया जा रहा। बहुत सारी जो जनता है भारत की वो पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर उसके पास सुविधाओं के सूचनाओं का जो है जरिया जो है जहां से उनको ये जानकारी मिल सके, वो जरिया ही मुझे लगता है कि बहुत ही लिमिटेड सीमित कर दिया गया है कि ये जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि जो भारत की जो राजनीति है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और जो है माइनॉरिटी के अधिकारों को लेकर, जिस तरह से हमने देखा है, आप भी एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिक है, तो आपको समझ में आता है कि जब राजनीति का मुख्य मकसद ही, राजनीति का मुख्य मुद्दा ही ये सामाजिक कल्याण विषय नहीं होंगे, तो फिर जनता के सोचने और समझने की जो स्थिति है या फिर विवेक है उस पर भी एक गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। अधीश जी, बिल्कुल पड़ता है, और आपने अच्छा किया अधिकार की बात करी, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यदि हमें अपने पूरे देश के अंदर कल्याणकारी कार्य करने हैं, सच में यदि जनता का भला केंद्र सरकार करना चाहती है, तो खासतौर से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको आपको एक वेलफेयर की तरह ना चलाते हुए आपको राइट बेस करना होगा, आपको इसे अधिकारों में लाना होगा। ये अधिकार तो है, फूड राइट्स तो है, भारत की जनता को फूड राइट मिला हुआ है। इट इज, ये देखिए, ये जो कानून बनाया गया है इसमें आपने उनको अधिकार दिया है, बट उनको अधिकार मिला तो नहीं है ना, क्योंकि लॉ बनाना और लॉ का एनफोर्समेंट करना दोनों एक अलग बातें हैं। तो एनफोर्स कराने के लिए ही गवर्नमेंट बनी है, एजेंसियां बनी होती है, कानून केवल किताब में होता है जी। तो उसको एनफोर्स कराने के पायदान पर पूरे तरीके से जो सरकार है वो विफल है। उनका अधिकार होना चाहिए, आप समझिए, जिसको कुपोषण प्राप्त हो रहा है, जिसको अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति कैसे जाएगा अपने खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाने, उसके लिए कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आपने, वो कौन है जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, वो कौन है जो एनकाउंटर कर सकता है गवर्नमेंट को या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को या उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को कि आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, मृत्यु का इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा है, मृत्यु दरें लगातार बढ़ रही है, बच्चों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है, तो ये सब इसके लिए उनको एनकाउंटर कौन करेगा, उनके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा, मंत्रियों को कटघरे में कौन खड़ा करेगा, उसके लिए आपने एक फ्रेमवर्क नहीं दिया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको वेलफेयर के नाते ना दिखा करके इसको राइट बेस यदि हम बना देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर जो देश की 75% जनसंख्या है हमारे देश में जो कि रूरल में रह रही है और उसे ही इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन के अंदर जो एक्ट है इसका स्टिपुलेटेड जो पब्लिक वर्जन है जिसके अंदर कि आप 5 किलो उनको फूड दे रहे हैं जिसमें कि रॉ ग्रेन आप दे रहे हैं। अधीश जी, ये जो 5 किलोग्राम अन्न सरकार मुहैया करा रही है इसे क्या आप एक सफल योजना कहेंगे, या फिर अगर ये सफल योजना नहीं हो पा रही है तो फिर सरकार को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? अगर सरकार बार बार इसे एक्सटेंशन दे रही है तो इसके पीछे की नीयत क्या दिखती है? देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये कि योजना बना करके और केवल उसकी वाहवाही लूटना
और उन योजनाओं के प्रचार पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसी भी सरकार को ये शोभा नहीं देता कि वो केवल उसके प्रचार, प्रचार बहुत जरूरी है, देखिए अगर जनता को प्रचार नहीं कहेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका जो प्रचार का रेशो है, देखिए सूचना और प्रसारण का काम है इसका प्रचार करना, लेकिन उन्हीं मंत्रालय के उसी बजट के पैसे से प्रचार कर देना तो उससे क्या होता है कि एक शॉर्टफॉल क्रिएट होती है। उस शॉर्टफॉल के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आप कई लोगों का हक मार लेते हैं, क्योंकि आप समझिए कि यदि आपको 10 रुपए किलो के अनुसार भी किसी व्यक्ति को मदद करनी है एक पर्टिकुलर बजट में से, और उसमें से आप 1 लाख करोड़ में से अकेले 8,000 करोड़ ऐड पे ही खर्च कर देंगे, तो उस 8,000 करोड़ के से जितने लोगों का पेट भरना था उनका आपने हक छीन लिया और वही लोग तो मर रहे हैं। और इसी में दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो आप ये देखिए कि इसके अंदर जो स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन के अंदर जो आप ग्रेन देने की बात कर रहे हैं कि हम 5 किलो प्रति व्यक्ति खाना देंगे, उसके अंदर भी आपने एक लिमिट सेट कर दिया है कि आप 35 किलो एक हाउस होल्ड को देंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप एक व्यक्ति को अनाज दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, देखिए मैं आप करेक्ट करना चाहूंगा, आप एक व्यक्ति को अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि बच्चा हुआ है, ठीक है, अब बच्चे की उम्र इतनी हो गई तो आप उसे दाल का पानी देना शुरू करें, आप उसे सेब का पल्प बना करके उबाल करके उसे वो दें, लेकिन क्या सरकार उसे सेब खाने के लिए कोई इंतजाम कर रही है? 200 से 250 रुपए किलो सेब बिक रहा है बाजार के। इसके अलावा बच्चों को, महिलाओं को, जो जच्चा है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, क्या उनके स्वास्थ्य में उनको जितने वाइटामिन प्रोटीन्स की जरूरत है क्या वो उस राशन में सम्मिलित है? क्या वो उसे प्राप्त हो रहा है? इसके अलावा जितनी भी आप समझ लीजिए कि लैक्टेटिंग हेल्पिंग प्रॉपर्टीज है, वो क्या हम उस दाल में या उस चावल के अंदर उसको दे रहे हैं कि महिला उसे अच्छे से स्तनपान करा सके या बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके? बच्चा पैदाइशी ही कमजोर हो रहा है जी, आप समझिए, तो जब कमजोर पैदाइश होगा तो उसको वैसे भी सर्वाइव कराना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बावजूद बच्चे के पैदा होने के बाद भी आप उसको वही चावल और वही अनाज दे रहे हो। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा और सीधा सा देखिए प्रश्न कि एक व्यक्ति जिसको आपने 2 रुपए के ऊपर गेहूं दिया ये सोच करके कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बाजार में गेहूं की जो पिसाई है वो उस रेट से ज्यादा है जितने रुपए में आप उसको गेहूं दे रहे हो जी, तो उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? क्या हम साबुत गेहूं खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसके अलावा बात जो हो रही है, देखिए ओवरऑल न्यूट्रिशमेंट की ये बात हो रही है कि उसके साथ साथ आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो खाना पका पा रहा है, क्या वो जिस पानी में खाना पका रहा है वो खाना शुद्ध है। आप सोचिए यदि वो ग्राउंड वाटर से, एक अनफिल्टर्ड वाटर से, एक अनसिक्योर्ड वाटर से पानी ले रहा है, पता नहीं किस किस सोर्सेस से वो गरीब लोग जो स्लम में रह रहे हैं, जो कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं, कहां से किस पानी के अंदर खाना पका रहे हैं हमको नहीं पता जी। इसके अलावा वो किस टाइप का स्पाइस यूज कर रहे हैं, हम आम लोगों ने सुना, देखिए लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर और ना जाने क्या क्या चीजें, तो ये सब मसाले तो नहीं देती गवर्नमेंट। तो ओवरऑल जो मील है उसका कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सोर्स होना चाहिए जहां से कि इन लोगों को सुरक्षित भोजन मिले और स्वास्थ्यपूर्ण भोजन मिले। ये बात आपने सही कही, लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है अधीर जी, ऐसे में क्या ये जो मुफ्त अनाज की स्कीम है इसको बंद करके रोजगार पर फोकस करना चाहिए, वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहां पर जो है ऐसे अवसर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि पिछले 9 वर्षों में रोजगार पर ही जो है सरकार का, हालांकि दावे किए जाते हैं बार बार रोजगार मेले का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत नाकाफी और ऐतिहासिक जो है बेरोजगारी भारत में कहा जा रहा है कि इस वक्त है, तो क्या मूल जड़ जो है वो बेरोजगारी है? देखिए मूल जड़ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप समझिए कि आप पूरे भारत वर्ष में जहां आज 150 करोड़ हम होने वाले हैं जनसंख्या में जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये एक रॉकेट साइंस है। ये रॉकेट साइंस इसलिए है क्योंकि ये ना तो अमेरिका को करना आया है आज तक, ना ये चाइना को करना आया है, चाइना में भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और खासतौर से भारत वर्ष में जहां सरकारी नौकरी के अलावा यदि लोक सेवा नहीं है तो लोग उसे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मानते, और ऐसी जगहों पर जहां शिक्षा नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि इस मेल न्यूट्रिशन से, इस भुखमरी से जो लोग मर रहे हैं, क्या उनके लिए समान शिक्षा के अधिकार है? क्या वहां पर अच्छे स्कूल है? क्या वो शिक्षा ले पा रहे हैं? क्या उनका जीवन इतना सरल आपने बनाया है? क्या वहां की सड़कें सही है कि वो लोग बच्चों को भेज पाए? क्या वहां की सड़क मार्ग सुरक्षित है कि वो छोटी बच्चियों को स्कूल अकेले पढ़ने शुरू हो जाए? पिछले 9 साल के अंदर
बच्चियों के स्कूल जाने के इंडेक्सिंग भी गिरे हैं नेहा जी, आप इसे जी चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की साइट जी पे, जी बिल्कुल ऐसे यानी कि आंकड़े आते बच्चियां हैं स्कूल नहीं जा पा रही। तो जब बच्चियां स्कूल ही नहीं जा पा रही तो आगे उनके साथ होगा क्या, उनका क्या भविष्य होगा? तो ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं बिल्कुल इसका पूरे तरीके से शिकार है। लेकिन कभी भी, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जिसको भरपूर भोजन नहीं मिल रहा है, वे एक पूरी तरह से अलग विषय है और रोजगार बिल्कुल एक अलग विषय है। इन दोनों को हम कभी भी जोड़ नहीं पाएंगे। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आप बहुत पैसा कमाते हैं और आप अपने बच्चे के लिए एक मेड रख दें और हस्बैंड वाइफ या बच्चे के जो पेरेंट है, माता पिता, वो दोनों उसके साथ दिन में एक वक्त भी ना बिताएं केवल सोने के, उस बच्चे की क्या परवरिश होगी, उस बच्चे के क्या सेंटीमेंट्स होंगे सोसाइटी के लिए, वो बच्चा किस निगाह से समाज को देखेगा, ये एक विषय इसी तरीके का। तो इन दोनों को हम कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। भुखमरी, गरीबी, ये एक बिल्कुल अलग विषय है और रोजगार एक बिल्कुल अलग विषय है। क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझे कि जहां पर बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि एक बच्चा प्लान कर रहा है, यानी अगर उसके आज दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए तो उसके तो सर पे पहाड़ी टूट जाएगा। तो क्या वो एक बच्चे को छोड़ दे मरने के लिए या वो खुद उस बच्चे की हत्या कर दे? अब उसके सामने चैलेंज आ गया, उसको दो बच्चों की परवरिश करनी है, उसके पास बजट एक का था, उसको दो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, दो बच्चों के लिए दूध लाना पड़ेगा, दो बच्चों के लिए दवा लानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल एक अलग विषय है। और गरीब आदमी का क्राइम नहीं है कि वो गरीब है, ये सरकारों का फेल्योर है कि हमारे देश में आज तक गरीबी बची हुई है। गरीबी ना रहे, कम शिक्षित व्यक्ति को कम से कम उसकी रोजगार के लिए, उसकी गुजर बसर के लिए कोई ना कोई साधन ऐसा बने, डेफिनेटली ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बट पैरेलल ऐसे लोग जहां पर कि, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने एक छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं, हमने अक्सर देखा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि भ्रमित हो गया या वो नशे की लत में लग गया, लेकिन उसका बच्चा छोटा है, कल ही पैदा हुआ, तो इसमें उस बच्चे की और उस लेडी की क्या गलती? उन्हें तो खाना चाहिए, उन्हें खाना कैसे मिलेगा, उसका बच्चा मर जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार दिए जाने से ही होगा, आप ये कह रहे हैं? करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों चीजें कभी भी रिलेटेड नहीं है। वो लेडी मजबूर हो गई, उसके साथ एक छोटा बच्चा है, उसने खुद को भी हेल्थ को देखना है, बच्चे को भी देखना है, उसका घर वाला किसी नशे की लत में लग गया है जो किसी की बात नहीं सुन रहा। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, अलग अलग केसेस हो सकते हैं बट कभी भी ये कोरिलेटेड नहीं है आपस में। जी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन जैसा कि हम बहुत जगह जगह जो अर्थव्यवस्था की जो आदर्श अर्थव्यवस्था के मॉडल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी जो है इन सब से जुड़ा हुआ नज़र आता है कि किस तरह से खेती को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को, और इससे जो है ना सिर्फ अन्न का संकट बल्कि जो है कहीं ना कहीं कुपोषण या फिर पोषण इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। अधीश जी, अभी इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं लेकिन समय समाप्त हो गया है, इसलिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने समय निकाला और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि आपको कैसा कार्यक्रम लगा, इसका फीडबैक आप हमें info@justbroadcasting.com पर भेज सकते हैं, और आप हमें neha@justbroadcasting.com पर भी अपना ईमेल भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अगले हफ्ते होगी मुलाकात किसी खास विषय और विशेष अतिथि के साथ। नमस्कार।